क्वेश्चन है, बनभत्ता वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पायर? ठीक है जी, यानी कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? अब यहां पर इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये हर्षवर्धन के थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आता है वो आता है थर्ड। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं कि ये कौन थे, क्या क्या चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। बाणभट्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये एक संस्कृत स्कॉलर थे और पोइट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, आपको पता लग गया होगा जब हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धना का जब पीरियड चल रहा था उनके टाइम पे ये पोइट आए थे। ही वॉज द अस्थाना कवि इन द कोर्ट ऑफ द किंग हर्षवर्धन, जो कि टाइम पीरियड था आपका 606-647 CE नॉर्थ इंडिया में। अब अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, इन्होंने बायोग्राफी के ऊपर भी वर्क किया था और ये वर्ल्ड के अर्लीस्ट नोवल थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड के अर्लीस्ट नोवल कौन थे। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कई सारे वर्क्स इनके ऊपर हैं बट उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि एक संस्कृत स्कॉलर थे, पोइट ऑफ इंडिया थे और किस टाइम पीरियड के आए थे। बस स्कॉलर्स के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी बहुत सारे नोटेबल वर्क्स होते हैं उनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके नोटेबल वर्क्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जिनका हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा होता है, राइट। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि अगर हम बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं जी, ये हर्षवर्धना के टाइम पीरियड।